सर, मैं ना आपके लुक के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो आपको एकदम अलग हटके लुक है, मतलब आपकी खुद की USP एक जो है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। टेलीविजन जो है वो टोटैलिटी है जी, आइसोलेशन में नहीं हो सकती। तो व्हाट यू वेयर, कपड़ा आपका मतलब यही होगा, आपका मतलब होगा ये बाल, तो लोग आधे समझते हैं ये बाल हैं या नहीं है, तो मैं बार बार ऐसे भी कर देता हूँ। आपको ये लगेगा कि ये स्टोल क्यों पहनते हैं, जब सारे लोग पहनने लगे तो मैंने स्टोल हटा दिया, पहले लोग मैंने बाहर से डाला तो लोगों ने बाहर से डालना शुरू किया, मैंने शर्ट के अंदर डालना शुरू कर दिया, फिर देखा कि वो भी करने लगे लोग तो मैंने हटा दिया। तो क्या है कि आपको पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और आपने अगर इतने साल काम करने के बाद अगर आपने थोड़ी सी पहचान बनाई, जैसे ये इसको मैंने देखा तो मैं इसे कहूँगा अप्पा जी, तो खुशी हुई ना इसको, चेहरे पे इसके देख के खुशी हुई, जो आपके चेहरे को देख के खुशी हुई। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन ये है, खबर भी दे रहा हूँ लेकिन प्रेजेंटेशन भी है। खबर तो मेरा पहला चीज़ जो प्राइमरी थी उसको जन नहीं बोल सकता, दैट इज़ आई एम अ जर्नलिस्ट, लेकिन प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ है। तो प्रेजेंटेशन से बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी तरह से हम कन्वे कर ले जाते हैं बात। बस मैं वहीं आ रही थी सर, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, स्पेशली द वे यू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो आपकी शर्ट होती है एकदम अतरंगी और एकदम खूबसूरत सी, मैं तो फैन हूँ सर आपके वार्डरोब कलेक्शन की। नहीं, आपने बहुत अच्छा डाला हुआ है कपड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े क्या होते हैं ना कि एक अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का एक मीडियम है। जैसे हमारे एक मित्र हैं पुनीत, अलाहाबाद से आते हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो भी अच्छी फोटो खींचते हैं। वो तो मुझसे कहते हैं तो सर ये कैसे आप, तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कि देखो ये ऐसा है कि हम एक्सप्रेस करते हैं ना, हमारी बॉडी एक्सप्रेस कर रही है, हमारे हाव भाव कर रहे हैं, मेरी आंखें करती हैं, मेरे बाल करते हैं, हर चीज़ कर रही है। तो जिस मीडियम में, ऐसा नहीं है कि मेरे शब्द नहीं कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, जिसमें आप मोहब्बत में होते हैं, वो वाली मोहब्बत नहीं, जिससे आप अपने काम से मोहब्बत, जैसे मैं जॉब नहीं कर रहा मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, तो जब आप मोहब्बत करने लगते हैं तो आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आपको ये नहीं लगता कि 6 कब बज रहा है, आपको पता होता है कि आई हैव टू गो। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे एक कप चाय के साथ, जब इतनी शिद्दत के साथ जब वो फायर आती है तब कमाल होता है। सर बस आखिरी में चलिए एक बार आप बस पाजी हमारे लिए कह देंगे ना, तो बस मैं यकीनन कह देता इसमें दो राय नहीं, लेकिन अगर मैंने यहाँ कहा तो वाले सब बाहर यहाँ आ जाएंगे। नहीं बोलूंगी सर, एक बार बस। अप्पा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।